हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैफिक राइडर्स। सो गाइस, मैं करता इसलिए इसको कंटिन्यू मत गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस मुझे GX1400 को ख़रीदना ही है। और बाय द वे गाइस, मुझे आप लोगों से एक सवाल भी पूछना है, अर्जेंट सवाल है, तो रुकिए गाइस। वैसे भी व्हीली से मुझे कुछ भी नहीं दिखता, हो जाएगा। तो गाइस पैसे कितने देख लेते हैं, 62,000। आज मेरा टारगेट है $70,000 ग्राइंड करना, इससे इसके लिए आधा हो जाएगा। वैसे इसका आधा है 75,000, तो फिर भी हो जाएगा यार। और बाय द वे, मेरे पास एक क्वेश्चन है गाइस, क्या मैं गाइस इस बाइक को खरीद लूँ, इस बाइक को, इसका मतलब कि स्पीड भी 180 है, हैंडलिंग 140 है, ब्रेकिंग 150 है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में राय जरूर देना है। इसका नाम है SR1000Z और CBR1000R, SK1200, YMAX, ZZ, ये तो आप खरीद ही नहीं सकते, GX1400। अबे मुझे T40 नहीं लेना, मुझे ये लेना है डिंका अकुमा। मजाक कर रहा था, ये कोई बाइक का नाम नहीं है, आप लोग गेस कर सकते हो कौन क्या है ये डिंका कुमा। भगाना है बस बाइक को, और $70,000 किसी भी हाल में लेने हैं। अगर मुझे ओवर टाइमिंग भी करनी हो तो मैं कर लूँगा, मतलब कि बिना व्हीली करके मैं कर सकता हूँ। सो सॉरी गाइस, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, वैसे नहीं, मेरा खुद का ही प्रॉब्लम था, क्योंकि मुझे बहुत सारे मतलब कि काम दिए गए थे, काम को अभी अभी ख़त्म करके वापस आए, लेट रेडी गाइस। और वैसे भी गाइस, मैं अपने स्कूल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। मुझे पता नहीं है कि आप लोगों का स्कूल खुला है या नहीं, बट मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा खुल गया, इसलिए मैं ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करता हूँ, मतलब कि करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो कैसे करूँगा। तो गाइस, इसका इस बात का भी आप बुरा मत मानिएगा, मैं जितना बेस्ट अपना दे सकता हूँ उतना ही दे रहा हूँ। सो आप लोग समझ सकते होंगे, अगर आप अच्छे हैं, मतलब कि अगर आप मुझे समझते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। भगा ले बाइक को, अबे छोड़ो यार, ये गोल्ड कॉइन वेस्ट करने में क्या हल है। गोल्ड कॉइन्स वेस्ट करने का ही क्या फायदा हुआ, एक बार पैसे देख लेता हूँ कितने आ गए, तो मन को थोड़ा सा शांति मिलेगा। ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, और $4,000 चाहिए, जो कि 4 मैचेस से हो जाएगा। इसके लिए तो मैं गोल्ड कॉइन जरूर वेस्ट कर सकता हूँ या जब भी गोल्ड कॉइन वेस्ट करता हूँ ऐसा ही फीलिंग क्यों आता है, कोई नहीं होता है।
और ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, और 3,000 चाहिए, 3,000 नहीं 2,500 से भी कम। देख लेता हूँ एक बार कितने पैसे मिल गए, हो सके तो वीडियो को भी एंड कर ही दूँ। ज़्यादा नहीं है, और 2,000 चाहिए जो कि बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। बस दो मैच और हो गया, और बाय द वे गाइस माइनक्राफ्ट का भी वीडियो, हाँ मुझे पता है कि 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, सो थैंक यू सो मच गाइस 200 सब्सक्राइबर्स के लिए। और बाय द वे गाइस माइनक्राफ्ट का भी सीरीज़ आने वाला है, और नेक्स्ट वीक को भी एक Q&A का वीडियो आने वाला है, तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उनका बहुत ही अच्छी तरह से आंसर दूंगा, जो आप लोग क्वेश्चंस पूछ लीजिए अभी के अभी कमेंट सेक्शन में। और भाई मारो मुझे मारो, ये गारिया कह रहे हैं मारो मुझे मारो, मुझे मारो गए तो खुद पछता हो गया, ऐसा सीन चल रहा है। अरे ज़्यादा नहीं चाहिए, और $700 ही तो चाहिए, हो जाएंगे आराम से यार। आज पहली बार मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है, मुझे ज़्यादा स्कोर नहीं बनाना है, बस 50K के ऊपर, नहीं नहीं 50K के भी नहीं, 15K के ऊपर, ये 3K 4 5K 7K 8K 9K 11K 13 16K इतने हो जाएंगे मेरे ख्याल से, 25K तो ऑलरेडी हो गए। हो जाएगा, जानबूझ के ठोका, हो जाएगा। ओ भाई साहब ओपी, इतने सारे पैसे मिल गए, हो गया अमीर में। सो गाइस इस छोटी सी वीडियो के लिए दोस्त नहीं, छोटी नहीं बहुत बड़ी वीडियो है, सो या गाइस आई थिंक इस वीडियो के लिए दोस्त नहीं, मुझे तो बहुत मजा है। सो गाइस फाइनली इस बाइक को खरीदूंगा, सो या गाइस स्मैश दैट लाइक बटन, इफ यू लाइक दिस वीडियो चैनल को सपोर्ट दिखाई, कमेंट करके शेयर करके और सब्सक्राइब करके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस चलो हम ऐसे ही बेहतर वीडियोज़ बनाने, गुड बाय।